इसके साथ एक रेन कवर भी आता है जो आपको बचाता है डस्ट से और बारिश से, और इसको लगा के आप अपनी ट्रैकिंग का और फोटोग्राफी का मज़ा बिल्कुल ले सकते हैं और बेफिक्र होके अपनी ट्रैकिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ऐसे आता है और इसको आप ऐसे रैप करके इसके अंदर कहीं भी रख सकते हैं। फोटोग्राफी कैमरे एंड इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आते हैं। इनको कैरी करने के लिए कैमरे बैग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जर्मन ब्रांड हामा के कैमरा बैग की। ये है हामा का ट्रैकिंग टोर 180 कैमरा बैग, जो सिर्फ एक कैमरा बैग नहीं है। आपको इसकी हेल्प से आप अपने फोटोग्राफी पैशन को प्लस ट्रैकिंग को, दोनों को एक साथ कैरी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हामा का ट्रैकिंग टोर 180, जो कि 15 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है और उसका जो नेट वेट है वो है 1350 ग्राम। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है और यह है इसकी बैक प्रोफाइल। तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, देखने में भी काफ़ी सुंदर बैग लग रहा है। फोटोग्राफी बैग दिखता कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर फोटोग्राफर की अलग अलग चॉइस होती है कि उसको किस तरह का चाहिए। तो पहली लुक में बहुत अच्छा लगा और काफ़ी स्टडी भी फील कराता है, जिससे कि हमारे फोटोग्राफी इक्विपमेंट सेफ रहें। तो बात करते हैं आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, फ्रंट साइड पे मिलता है आपको इसमें, आप अपने ट्राइपॉड को कैरी कर सकते हैं। अगर आप बर्डिंग करते हो तो ट्राइपॉड की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, तो यहाँ पर आप अपने ट्राइपॉड को कैरी कर सकते हैं। दो ये आपको लूप्स मिलते हैं, इसमें आप ट्रैकिंग स्टिक को रख सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो ये भी पता होगा कि ट्रैकिंग स्टिक कितनी इंपॉर्टेंस होती है ट्रैकर्स के लिए। साइड में आपको दो काफ़ी बड़ी पॉकेट्स मिलती हैं, जिसमें आप एसेसरीज रख सकते हैं, या आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो अपने कुछ क्लोथ्स रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अपने कैमरे को एक्सेस करने के लिए, कैमरे को निकालने के लिए दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं। एक तो है फ्रंट से आप अपने कैमरे को निकाल सकते हैं। और इस बैग को जो सबसे ज़्यादा खास बनाता है वो है इसका एंटी थेफ्ट कंपार्टमेंट। इसका जो मेन कंपार्टमेंट का जो एक्सेस है वो आपको बैक साइड से मिलता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इसका जो जिप है बहुत बटरली स्मूथ है, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और ये झट से खुल जाएगा। तो ऐसा दिखता है कुछ हमारा बैग अंदर से। आपको यहाँ पर मिलता है 9 फुल्ली एडजस्टेबल कंपार्टमेंट, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं, और आपको आपके लेंसेज और कैमरा को बहुत ही सॉफ्ट होल्ड ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो शॉक, जो अनवांटेड शॉक होते हैं उससे प्रिवेंट करते हैं, और आपके जो महंगे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ रहते हैं। तो ये वेलक्रो की हेल्प से चिपके हुए हैं, और यकीन मानिए, इसको मतलब निकालने में मुझे थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ रहा है। ये देखिए, तो आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर आप अपना कैमरा रख सकते हैं और ये आपके कैमरे को होल्ड करके रखेगा। यहाँ पर आप दो बॉडी और तीन चार लेंस इजीली रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बर्डिंग के लिए जा रहे हैं तो टेलीफोटो लेंसेज भी रख सकते हैं, 200 500 हो गया, 70 200 हो गया। और अगर तो दोस्तों, ये है इसका मेन कंपार्टमेंट। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको मल्टीपल कार्ड स्लॉट के लिए स्लीव्स मिलती हैं, जिसपे आप अपने मेमोरी कार्ड को रख सकते हैं। और एक जिप आपको यहाँ भी मिलती है। और बेसिकली ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये आप अपर इसको निकाल के भी एक्सेस कर सकते हैं, जो अपर पे आपका जिप दिया गया है। और आइए बात करते हैं इसके एसेसरीज को एक्सेस करने के लिए जो कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दो पॉकेट मिलती है, इसमें आप एसेसरीज रख सकते हैं। और ये छोटी छोटी स्लिप्स मिलती हैं, इसमें आप अपनी बैटरीज हो गए, या छोटे छोटे स्क्रूज आते हैं फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में यूज़ होते हैं, उनको आप इसमें रख सकते हैं इजीली, और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो एकदम सेफ़ रहेंगे आपके साथ। और यहाँ पर आपको एक काफ़ी डीप स्लीव मिलता है, जिसमें आप अपने लैपटॉप को, या अपने क्या बोलते हैं, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, उसको कैरी कर सकते हैं। और इसकी पैडिंग बहुत स्ट्रांग है, आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा, एकदम स्ट्रांग है। और यकीन मानिए, आपका जो गियर्स है वो एकदम सेफ रहने वाले हैं। तो इसको बंद कर देते हैं।
तो दोस्तों ये है इसका बैक साइड, इसमें आपको छोटे छोटे पोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से ये आपका एयर वेंटिलेशन का काम करते हैं। आपने बैग को बहुत टाइम तक अपने शोल्डर पे कैरी किया हुआ है तो आपको थकावट नहीं होगी और उसमें से एयर सर्कुलेशन होता रहेगा, जिससे स्वेटिंग नहीं होती है और आपकी इरिटेशन नहीं होती है बेसिकली। और आपको इसमें दो पैडेड शोल्डर स्ट्रैप मिलती हैं जिनकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। उसमें भी आपको सेम मैकेनिज्म मिलता है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं और वेंटिलेशन का काम करते हैं और आपको स्वेटिंग नहीं होती है। एक छोटा सा ये आपको ये मिलता है, यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ें लटका सकते हैं, वाटर बॉटल हो गया, कुछ भी हो गया। और आपको ये चेस्ट सपोर्ट बेल्ट भी मिलती है, इसको लगा के आप अपने चेस्ट पे अच्छे से इसको ग्रिप कर सकते हैं। और ये भी फुल्ली एडजस्टेबल है, इसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको एक और, अगर आप ट्रैकर हैं, आप पहाड़ों पे जाते हैं, तो आपको वेस्ट स्ट्रैप भी मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेस्ट स्ट्रैप है, ये वेस्ट स्ट्रैप है जिसको आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, साइज़ में छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप इसको जो शोल्डर स्ट्रैप है इसको भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसका ट्राइपॉड कैसे इसको कैरी करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास है हामा का कार्बन फाइबर ट्राइपॉड जो कि बहुत हल्का है, तो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ये इजीली आपका ट्राइपॉड यहाँ पर लग गया है और ऐसे करके हैंग करके आप अपने ट्राइपॉड को भी कहीं पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हामा का ट्रैकिंग टर 180 बैग। तो मेरे पास बैग की पूरी रेंज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों ये बैग आता है 2 साल की वारंटी के साथ, कोई भी सिर्फ आपसे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा और किसी को भी अगर इस बैग के बारे में कुछ भी जानना है, प्राइस या अवेलेबिलिटी, तो बस हमें एक कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी हमारा कैमरा बैग के ऊपर होने वाली है, जो हमारा ट्रैकिंग बैग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बैकपैक है वो भी। तो स्टे ट्यून।